गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ में 3.4। 3.3 तक आपका हो चुका है। 3.4 में ये देखिए आप लोगों के सम्स हैं 1 से लेकर 14 तक। पहले हमें इनको समझने के लिए थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्या लिखा है, फाइंडिंग द मेसिक मीनर और सबट्रेंड, मीन्स क्या करना है, फ्रॉम विच नंबर शुड 26461 बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट 24378, चेक द आंसर। मीन्स हमें इसको इस तरीके से करना है कि ये देखिए हमारे पास यहाँ के लिए दिया गया है और इसका आंसर भी दिया गया है। अब हमें पता करना है कि ये हमें इसमें ऐसा क्या माइनस करना है कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। हमें इसे किस में से माइनस करना है कि हमारे पास ये आंसर आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने जो हमारा आंसर दिया हुआ था इसको हमने ऊपर लिखा है, जो हमारा माइनस किया हुआ था उसको हमने नीचे लिखा है, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है। तो प्लस करने के बाद हमारे पास आया 50839। ठीक है, तो इसका हम एक अलग से बॉक्स बनाएंगे 50839। उसके बाद हमने यही वाली डिजिट यहाँ पर लिख ली है, तो उसके बाद हमें ये देखिए ये वाला आंसर मिल गया है। अब इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 50839। अब देखिए 9 में से बन गया 8। आगे देखिए इधर, अगर हम इसमें से सबको ऐसे माइनस करेंगे, आप लोग करके देखोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर यही वाला आंसर आएगा। देखिए 3 में से 6 नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, इधर ले लेंगे, यहाँ पर हमारा 13 बन गया और यहाँ पर हमारा 7 रह गया। अब देखिए हमने 13 में से 6 को माइनस किया तो 7 आ गया, और यहाँ पर हमारा 7 रह गया था, तो 7 में से 4 को माइनस किया तो 3 आ गया। अब यहाँ पर 0 में से 6 नहीं जा सकता, तो इधर से हम ले लेंगे 1, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, 10। अब देखिए 10 में से 6 गए तो 4 आ गया, और 4 में से 2 गए तो 2 आ गया। तो आप लोगों को समझ आ गया क्या करना है, हमें इसको और इसको प्लस कर देना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमने माइनस करना है। ये देखिए इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, ये वाली डिजिट यहीं की यहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे सेकंड नंबर पे, तो ये हमारा देखिए यही वाला आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये वाले सम भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए फाइंड द नंबर फ्रॉम विच 254328 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गिव 224326। अब देखिए इसका कैसा बनेगा, आप लोग कैसे करोगे इसे नोटबुक में, इसकी कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखोगे आप लोग, क्या करोगे, ये देखिए यहाँ पर ठीक है, हमने यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, क्या है हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर। टू फाइव फोर थ्री टू एट। अब देखिए हम क्या करते हैं, वैसे तो यहाँ पर लाइन लगाकर आंसर लिखते हैं, पर आंसर हमें यहाँ पर एक तरह से आप समझ लीजिए कि दिया ही हुआ है। क्या आंसर है यहाँ पर, टू टू फोर थ्री टू वन। अब हमने इसकी ये यहाँ पर ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही वाली डिजिट यहाँ पर लिख देंगे, टू फाइव फोर थ्री टू एट। आगे हम ये वाली डिजिट जो है ये यहाँ लिख देंगे, टू टू फोर थ्री टू वन।
अब इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। 8 over 9 4 6 8 7 4, ठीक है। तो हमें ये वाली डिजिट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या आएगा यहाँ पर, 4 7 8 6 4 9। तो अब आप लोग इसमें से इसको माइनस करके देखना, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये आप लोगों की 3.4 का फर्स्ट सम है, ठीक है। ये देखिए, बहुत इजी है, पजल नहीं होना। बस ये जो दो दी गई है हमें डिजिट, इनको प्लस करना है, जो भी आंसर आएगा वो हमने इनके ऊपर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट सम ऐसे होगा। आगे है सेकंड सम, फाइंड द नंबर फ्रॉम विच वैन, ठीक है। ये वाली डिजिट है, इज सब्ट्रैक्टेड गिव्स ये। तो ये सम भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट किया था। आगे है थर्ड सम, फाइंड द नंबर विच वैन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिव्स। देखिए सब्ट्रैक्टेड, अब यहाँ पर पहले आ गया, फ्रॉम आ गया, तो मैंने बच्चों को बताया हुआ है जो फ्रॉम होता है वो हम ऊपर लिखते हैं और बाकी का इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये हमारा सिंपल ही होगा। जैसे कि क्या डिजिट है हमारे पास, ये हमारा थर्ड सम है, सेकंड सम आप लोग खुद से करोगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड सम है, क्या डिजिट है फ्रॉम के बाद, 7 5 4 8 3 6। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 2 8 9 1 7 2, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, माइनस। ये हमारा बिल्कुल सिंपल है, जो भी आंसर आएगा बस वो यहीं पर आ जाएगा। क्या करेंगे हम, 6 में से 2 कम करें तो 4 आ गए, यहाँ पर 7 आ गया, एक इधर ले लिया तो यहाँ पर हमारा 13 बन गया। यहाँ पर आ गया 5, आगे देखिए फिर 9 जो है वो 7 में से नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक ले लेंगे इधर, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पर 17 बन गया। तो यहाँ पर आ गया हमारा 8, आगे देखिए 3 में से बन गया तो 2, आगे फिर देखिए 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो एक इधर से ले लिया, यहाँ रह गया 6 और 5 का बन गया 15। आगे यहाँ पर 15 में 7 गए 8, आगे 6 में से 2 गए 4। तो ये हमारा थर्ड का आंसर। तो आगे देखिए, जो फोर्थ सम है वो आपका फर्स्ट सम के जैसा होगा, जो फिफ्थ सम है वो आपका थर्ड सम के जैसा होगा, 6th 7th 8th, ये सारे सम्स ऐसे ही हैं। तो आप लोग ऐसा करना, ये सम्स आप लोग 1 से लेकर 9 तक करोगे अपनी नोटबुक में, 1 से लेकर 9 तक 3.4 के आप लोग ये जो सम्स हैं वो अपनी नोटबुक में करोगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।